आप सिखों को नहीं जानते इनके गुरु महाराज ने अपने चार साहबजादे कुर्बान कर दिए थे समझौता नहीं किया था और ना जाटों को जानते हो इन्होंने तो अकबर की कब्र खोद दी थी इन जिन कौमों से लड़ो उनके बारे में जान लो के वो कौन है तो अगर तुम हिंदू राष्ट्र की बात करोगे तो खालिस्तान की बात भी होगी क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान तो सिखों ने उठाया पार्टीशन का उनकी बढ़िया जमीनें चली गई ननकाना साहब चला गया और क्या क्या चला गया और उन्होंने नए सिरे से और फिर वो सफर किए अब तक सफर कर रहे हैं कहते हैं कि हम तीसरी बार भी सरकार बनाएंगे ये ढूंढे नहीं मिलेंगे सरकार बनाने की बात तो आप छोड़ दीजिए मेरे बारे में ये है कि ये आदमी झूठ नहीं बोलता सच बोलता है तो मैं 2024 तक इनको ऐसा कर दूंगा कि ये चुनाव हार जाएंगे प्रधानमंत्री डर गए वो पंजाब में एक बार इनका इनकी गाड़ी के सामने प्रदर्शन हो गया था इट वॉज हामलेस प्रदर्शन कुछ नहीं था इन्होंने कहा कि जान बच गई आज मैं मर जाए तो डरपोक आदमी है और अब वो सिर्फ डर की वजह से ये कानून भी इन्होंने डर की वजह से वापस लिए कोई कन्विक्शन से नहीं लिए हमें तो कश्मीरी पंडितों का बड़ा दर्द है पहला कुछ हुआ ही नहीं उसी ने ने कुछ करते इनको किसी का दर्द नहीं अपने अलावा कर्नाटक के चुनाव में हर वोटर के घर एक पाँच हजार का पैकेट भिजवाया जा रहा है अच्छा रुपया इतना है की आप अंदाजी नहीं कर सकते आर में कोई डिविजन है नरेंद्र मोदी को लेके मोदी को लेके है आर के जो टॉप है वो मोदी को पसंद नहीं करता हिंदू सिर्फ तीन दिन को हिंदू होता है जब दंगा हो रहा होता है और मैं श्योर हूँ कि इस चुनाव से पहले उसको आप धर्म के नाम पे नहीं भड़का सकते हैं जात पात रिलीजन सब भूल के आने वाले पार्लियामेंट चुनाव में नरेंद्र मोदी को हराएं क्योंकि अगर नहीं हारता है तो इस देश में सब अच्छाई खत्म हो जाएगी जो भी अच्छा है उसे खत्म कर देगा डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी चुनाव नहीं होगा फिर उसके बाद आखिरी चांस है सब लोगों के पास क्या कि मेरी जानू खतरा मेरी कम्युनिटी इतनी इस वक्त उसमें है गुस्से में इस सिक्योरिटी वाले पॉइंट पे कि अगर मुझे कुछ हो गया तो खून खच्चर होगा यहां अब तो डिक्लेयर्ड लड़ाई हो गई है तो मैं डटूंगा लड़ूंगा हेलो एंड वेलकम स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਨੈਕਟ ਐਫ ਐਮ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਤਰਿਤ ਰੰਦਾਵਾ ਅੱਜ ਕਨੈਕਟ ਐਫ ਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਾਰਫ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਸਤਿਪਾਲ ਮਲਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਤਪਾਲ ਮਲਿਕ ਵੀ ਕਹਿੰਨੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਫਿਰ ਗੋਆ ਦੇ ਫਿਰ ਮਗਾਹਲਿਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਐਮਪੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਤਾਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਲੰਮਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ ਸਤਿਪਾਲ ਮਲਿਕ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ ਜੀ ਕਨੈਕਟ FM ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ

और इनको मकान दिया जाए जो जनरली देते हैं पर इन आउट रंजीश की वजह से मुझे नहीं दिया कुछ जी और मलिक साहब एक और है कि कि अगर आपने आपने कहा है कि आपने पिछले दिनों खुद भी कहा है तो ये कहा कि मेरी जान को खतरा जी और अगर सर कौन जिम्मेदार होएगा जो किसी तरह का भी कोई इंसिडेंट हो जाएगा यही इनको भुगतना पड़ेगा क्योंकि मेरी कम्युनिटी इतनी इस वक्त उसमें है गुस्से में इस सिक्योरिटी वाले पॉइंट पे कि अगर मुझे कुछ हो गया तो खून खच्चर होगा यहाँ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ ਦਵਾਇਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦੋ ਗੁੱਸਾ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਕਿ ਡਵਾ ਦੇਂਗੇ ਹਮ ਇਨਕੋ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰੋ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਣਗੇ ਗ੍ਰਫਤਾਰੀ ਸੇ ਡਰ ਜਾਣਗੇ

चुनाव हार जाएंगे जी मलिक देखो ये संविधान तो थी थी पद था आपका पहले भी, बोला था। और आप बोले भी हैं सेम डे बोला जिस दिन पुलवामा हुआ उस दिन मैं बोला दो चैनल को बोल चुका था जब इन्होंने कहा कि अब चुप हो जाओ और इनको उसी दिन मैंने कहा कि हमारी गलती है इसकी जांच होनी चाहिए रुको आ रहे हैं हम चुप हो जाओ तो ये कैसे कह रहे हैं मैंने बोला फिर किसानों वाले पे मैं गवर्नर रहते हुए बोला और उसी दिन जिस दिन वो पुलवामा हुंदा शाम ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਢਾਬੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਓ ਹਾਂ ਖੁਦ ਫਿਰ انہوں نے उसको कहा अजीत डोभाल को उसने मुझे फोन करके काम लिखा मतलब बोलो इस पे आप प्रधानमंत्री का तो नाम आ रहा है कि आपको चुप करवाया

पॉलिटिकल इस्तेमाल करने की सोच रहे थे कैसे करना है और किया भी उसके बिना संभव नहीं है पर हमारी भी फेल थी हमको जहाज ये मेरे से मांग लेते सी, इसके पी के लोग तो मैं इनको अरेंज करा देता दो घंटे में उन्हीं दिनों का आप रिकॉर्ड देखेंगे तो भास्कर की न्यूज है चार महीने तक सीआरपी की रिक्वेस्ट होम मिनिस्ट्री में पेंडिंग रही चार महीने के बाद उनको मना किया गया और एक चीज और है सर तब जो गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री से राजनाथ सिंह जी का नाम नहीं आ रहा कितने सारे लग रहा है कि शायद अमित शाह पर अमित शाह तो, तो गृह मंत्री है नहीं, से? नहीं थे वो मैं मैं भी कोई उनका नाम नहीं लिया कोई भी रहे हो मेरा तो मतलब होम मिनिस्टर होम मिनिस्ट्री से ताल्लुक था उसका आते हैं सर सीबीआई पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन पर थोड़ा सा बताइए कि सीबीआई ने आकर पांच घंटे किया क्या यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे क्या बहुत सारी बातें थी उसमें एक मामला था इंश्योरेंस का तो सीबीआई उसमें जो आदमी था उसको बचाने की कोशिश कर रही है उसी के बारे में सवाल पूछ रही थी मैंने तो जो सच था वो बता दिया इंश्योरेंस की गल कर रहे हो ये रिलायंस इंश्योरेंस की जो इम्प्लॉइज के लिए थी जिसमें उनको पैसा देना पड़ना था

दूसरे नाम से क्लियर हुई है और उसमें जो आदमी इनवॉल्व है उसके बारे में मैंने प्रधानमंत्री जी को बता दिया था कि ये उन्होंने कुछ नहीं किया उसका संयुक्त किसान मोर्चे पे आते हैं संयुक्त किसान मोर्चे को तब आपने समर्थन दिया थे उदो समर्थन तो दिता से मलिक साहब जो धरना चल रहा और उन्होंने कितो समर्थन नहीं आ रहा और नरेंद्र मोदी लगे इंटरव्यू दिया था नहीं वो लोकल अपने अपने बलबीर सिंह राज्यपाल ने तो पहले यहाँ आए भी वो अच्छा चढ़ूनी मेरे यहाँ आते रहे सब लोग आते रहे आपने कहा की मैं गया प्रधानमंत्री से मिलने ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਲੜ ਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੋਲੇ ਕਿ ਚਲੇ जाएंगे ਕਿਉਂ ਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪ ਇਹਨਕੋ جانتے ਨਹੀਂ ਆਪ ਸਿੱਖੋਂ ਕੋ ਨਹੀਂ جانتے ਇਨਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ दिए ਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਨਾ ਜਾਟੋਂ ਕੋ جانتے ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਕਬਰ ਦੀ ਕਬਰ ਖੋਦਦੀ ਸੀ ਜਿਨ ਕੋ ਮਸੇ ਲੜੋ ਉਹਨਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇ ਜਾਣ ਲੋ ਕੇ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਸੇਪੇਸ਼ ਲੀਡਰ ਐ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਸਰ ਕਿ ਇਹ ਇਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਬਹੁ ਟੇਕ ਰਹੇ ਆ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਜ਼ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਤਰਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਨੇਚਰ ਆ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਭਾ ਮੰਤਰੀ ਡਰ ਗਏ ਆ ਅੱਛਾ ਦੇਖੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਮੇ ਇੱਕ ਬਾਰ ਇਨਕਾ ਇਨਕੀ ਗਾੜੀ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਥਾ ਇਟ ਵਾਸ ਹੰਮਲੈਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਥਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ ਆਜਮੰਗ ਮਰਤੇ ਤੋ ਡਰਪੋ ਕਾ ਆਦਮੀ ਹੈ

याद होना था। ने 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 टोपी नहीं सिपाई तो दो दो <laughs> इनको जरूरत करेंगे हम तीसरी बार भी सरकार बनाएंगे ये ढूंढे नहीं मिलेंगे सरकार बनाने की बात तो आप छोड़ दीजिए देखिए सीधे सीधे गणित है पंजाब में ये नहीं है हरियाणा में ये नहीं है राजस्थान ये हारेंगे मध्य प्रदेश ये हारेंगे ये सिवाय यूपी के कहीं नहीं जीत रहे हैं और वेस्ट बंगाल हारेंगे महाराष्ट्र हारेंगे तो ये अगर 100 एम भी कम हो जाएंगे तो बीजेपी वाले इनको हटा देंगे एक तरफ हटो यूपी में में उत्तर प्रदेश ऐसी योगी आदित्यनाथ है देते ना था इसलिए नहीं ये कम्युनलाइज कर देते हैं ओके okay. क्योंकि वहां मुस्लिम तादाद ज्यादा है नु? तो ये चुनाव आने से पहले दंगा करा देंगे कुछ कर देंगे ये है और कुछ नहीं आपने एक इंटरव्यू में अपनी जिक्र किया था मुजफ्फरनगर का और आपने कहा था कि मेरे को इन्फॉर्मेशन है कि वहाँ कुछ लोग आर के भी शामिल थे मैं तो वही था ग्राउंड पे था मैं अच्छा मैं घूम रहा था गांव-गांव, जहाँ दंगे हुए वहां भी गया वो ज्यादातर मलिकों के थे हम्म। आरएसएस ने बड़े पैमाने पे वहाँ फाइनेंस किया दंगे को कुछ आरएसएस के कुछ लोग थोड़े तो इन टच है सर नहीं, कोई नहीं। में कोई डिवीजन है नरेंद्र मोदी मोदी को ले को लेके लेके के जो टॉप है वो मोदी को पसंद नहीं करता पर मोदी ने तो उनको सत्ता भी दिलाई मोदी ने उनको बहुत बेनिफिट कराये सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के वीसी जो नाहल है उनको बनाया वो सब आरएसएस कनेक्शन से बनाया वो तो सही है अपनी जगह पर जो समझदार लोग हैं वो इनको इनकी हरकतों को पसंद नहीं करते हैं ऐसे हैं सर कुछ लोग जो नितिन गडकरी को या राजनाथ सिंह को आगे करना चाहते हैं देखिए राजनाथ सिंह जी में तो विचारों में कोई दम नहीं है वो तो ये सर हो चुके हैं नितिन गडकरी कैरेक्टर का आदमी है खड़ा है काम सबसे अच्छा किया है और वो इतना पॉपुलर है की बीजेपी को कमी रहेगी तो सारी पार्टियां नितिन गडकरी को सपोर्ट कर देंगी

ममता बनर्जी की चल रही है अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी ये सारे पिछले दिनों पता चला कि संजय राउत जी जो एम पी भी हैं राज्यसभा के शिवसेना के अब तो शिवसेना दूसरी होगी वो वो आपसे मिलने आए थे और शायद उद्धव ठाकरे से आपकी कोई मुलाकात बात हुई है और मैं महाराष्ट्र जा रहा हूँ मिलने जा रहा हूँ फिर अच्छा उनकी हो सकेगा उनकी एक आध मीटिंग में भी जाऊँगा महाराष्ट्र में महागाड़ी सरकार को तोड़ देने की कोशिश की जा रही है जैसे पिछले दिनों कल्प पवार के बयान आए कल वो अजीत पवार उनके स्टेज पे था नी टूट गया अच्छा कोशिश है पर कोशिश तो बहुत है इनको तो इसके अलावा कोई काम ही नहीं है विपक्ष की सरकारें गिराना के अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि सत्यपाल मलिक जी बहुत साहसी काम बहुत निडर होकर काम कर रहे हैं पर जब जम्मू कश्मीर की सर गल आंदी है और जम्मू कश्मीर जिस तरह डाउनग्रेड करके दी है उस तो वो चुप कर दे। ये केजरीवाल है जो दिल्ली के लिए फुल समर्थन लग रहा है उनका या समर्थन का मैं कोई बहुत मोहताज नहीं हूँ कश्मीर की सिचुएशन डिफरेंट थी और मैंने वहां पता किया था मैं नहीं था इस डाउनग्रेड करें लेकिन ये दिल्ली

क्योंकि लोक दी, लोकल लोक मांग पर जिस तरह की वहां पे बिजनेस आना चाहिए था नौकरियां पैदा होना चाहिए खुशगवार माहौल बनना चाहिए था नहीं। तो, हुआ ही नहीं। जितना होना नहीं हो, हो है। हुआ है। कोई सेंटर। ये कोई भी नहीं कोई दिलचस्पी नहीं ली तो ये सारा कुछ करने के बावजूद अगर वहां पे माहौल ठीक नहीं होता उनको जोड़ा नहीं जाता अपने साथ ये फीलिंग नहीं दी जाती तो फिर वहां तो कोई फायदा नहीं है फिर ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਸਰ ਉਹ ਤਾਂ ਇਤਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਵਕਤ ਮੈਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਸ਼ਿ ਨਗਰ ਕੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਆਤਾ ਥਾ ਅਪਰ ਸ਼ਿ ਨਗਰ ਮੈਂ ਘੁਸ ਕੇ ਸੀਆਰਪੀ ਕੈਂਪ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਅਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਨਿਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਤ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ તો ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਪਰਤਾ ਉਪਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅਲਾਵਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕਦੇ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ ਐਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹੈ ਚੁੱਕ ਕਾਇਰੋਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ रेसलर्स तो होने हैं तो सपोर्ट देती सरकार ब्रिज भूषण शरण सिंह तो डरी हुई है बाहुबली नेता चलो मानते हैं वो तीन चार जिले में इफेक्टिव है और इनको वोट चाहिए चाहे जितना खराबी हो तो इसका मतलब है यहाँ से वोट चाहिए उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी एक्शन नहीं करती चाहे वो गौतम अडानी की बात हो वहाँ पे भी वो तो रहे वहां तो उनका पैसा लगा हुआ है राहुल गांधी का जो एक्सपंज तो तो उसका, तो उसका जवाब देने का तो हक बनता था वो अलाउ करना चाहिए था स्पीकर दैट वाज वेरी रॉन्ग इसका भी लोगों में काफी असर बहुत असर है इस बात का मैं आपकी राहुल गांधी की एक और बात याद आई सर जिस दिन श्रीनगर में यात्रा खत्म होती है कलमिनेट होती है जो भारत जोड़ो यात्रा उस दिन श्रीनगर में बहुत से लोग आगे थे उमड़ के उनको देखने और पूरा, पूरा श्रीनगर बाहर आ गया था ये किस चीज का सूचक है सर तो ये क्या तो दिखा ये, दिखा ये, है? दो, चीजों का सूचक है कि लोगों ने इनको रिजेक्ट कर दिया है और राहुल ने उनके जो इमोशनल कोड है उसको छू लिया था कहकर मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ क्योंकि उसके पुरखे वहीं के थे पुरखों की बात आई तो कश्मीरी पंडितों की बात होगी जी पिछले दिनों कश्मीरी पंडितों के तो वहां पे प्रोटेस्ट हुए कि हमें जाने दीजिए हमें जम्मू कश्मीर ट्रांसफर करिए उनकी तो सुनवाई नहीं हो रही बेचारों तो फिर जो आती है जो कह रही है कि हमें तो कश्मीरी पंडितों का बड़ा दर्द है पहला कुछ हुआ ही नहीं कुछ तो करते हैं इनको किसी का दर्द नहीं अपने अलावा आपने एक बात चीज बोली थी क्या सी कि नरेंद्र मोदी जी कोई आइडियोलॉजी नहीं है मौका प्रस्ती है जहाँ से वोटे मिल जाए जहाँ से सत्ता मिल जाए वहां चले जाएंगे ये बात सच है बिल्कुल बिल्कुल सही है देखिए लोगों को बहुत चीजों पे डाउट है गोदरा पे डाउट है लोग अभी तक शोर नहीं है कि दंगों में इनका क्या रोल था इनकी इनके किसी काम के बारे में लोगों को सफाई नहीं है और ये जान के सफाई नहीं देते सर नहीं देते ही नहीं ये तो समझते इनकी जो वो सफाई देने नहीं देती इनको यही कारण तो नहीं कि पिछले दिनों बहुत से लोग जो उन दिनों दंगों में किसी तरह उनकी शमूलियत रही आजकल वो सारे रिहा हो रहे हैं सब पूरा यूपी में भी वही है योगी पे मुकदमे हैं जो उनने वापस कर लिए अपने खुद के बिल्कुल तो ये सिलसिला तो फिर चलता रहेगा सर आपको लगता है कि लोग इस धर्म की चीज से बाहर आएंगे हाँ निकलेंगे ऐसा देखिए आप एक हिंदुजम की खूबसूरती देखिए हिंदू सिर्फ तीन दिन को हिंदू होता है जब दंगा हो रहा होता है उसके बाद वो नॉर्मल होता है उसके रिएक्शंस बिल्कुल सही होते हैं और मैं श्योर हूँ कि कर के जायजा इसका माइनोरिटीज भी रहती हैं माइनॉरिटीज के साथ तो खासतौर तो पर दो कम्युनिटीज के साथ तो हो रहा है ये भी पता है इसको आप कैसे देखें थोड़ा एलबरेट कीजिए इनको ये जो इनके फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, उनसे इस बकवास को बंद कराना चाहिए ये हिंदू मेजोरिटी कंट्री है हिंदू 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 मतलब हिंदू राष्ट्र नहीं है हिंदुओं की मेजोरिटी का राष्ट्र है दैट इज सफिशेंट लेकिन अगर तुम हिंदू राष्ट्र की बात करोगे तो खालिस्तान की बात भी होगी क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान तो सिखों ने उठाया पार्टीशन का उनकी बढ़िया जमीनें चली गई ननकाना साहब चला गया और क्या क्या चला गया और उन्होंने नए सिरे से और फिर वो सफर किए अब तक सफर कर रहे हैं तो आपको इस तरह की बातें करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए

इस करके ममता बनर्जी या अरविंद अरविंद केजरीवाल इस करके डरे हुए हैं क्योंकि हम कहीं बाहर ना हो जाए इलिवेंट ना हो जाए इसलिए साथ कोई रियल मोर्चा बनेगा या ऐसी स्थिति चलती रहेगी देखिए मैं तो चालीस साल से इलेक्शन देख रहा हूँ हाँ। किसी मोर्चे की जरूरत नहीं और वो बनेगा भी नहीं चूके सब उम्मीदवार हैं प्राइम मिनिस्ट्री के इनका सेटल ही नहीं होगा मैंने एक फार्मूला दिया था और उस पर अब सब एग्री कर गए सब पार्टियाँ वो है कि एक के मुकाबले एक उम्मीदवार बिल्कुल बीजेपी के एक उम्मीदवार के मुकाबले सारी पार्टियों में से एक पार्टी का कोई उम्मीदवार तो इस पे राजी हो गए ये हो गया तो ये सौ फीसदी हार जाएंगे इसका मतलब है सारे इकट्ठे होके बीजेपी के, के खिलाफ एक, एक, एक उम्मीदवार जो बीपी सिंह ने यही टेक्निक अपनाई थी तो अभी इस सिलसिले में किसी से बातचीत हुई सबसे हुई सब सहमत है सर अगर कुछ नाम बता सके तो सीताराम ये जी से परसों मेरी आच्छा, बात हुई एक मीटिंग में हम साथ में थे में हाँ, हाँ, तो उन्होंने बताया कि हमारी कांग्रेस में बात सबकी सबसे बात हो रही है अब मुझे बताया गया है कि कर्नाटक के चुनाव में मैं कोई झूठा इल्जाम नहीं लगाना चाहता पर बताया गया कि हर वोटर के घर एक पांच हजार का पैकेट भिजवाया जा रहा है रुपया इतना है कि आप ही नहीं कर सकते कल को सीबीआई कहेगी कि इसका मलिक साहब हमें सबूत दीजिए नहीं मैं कोई चार्ज तो लगा नहीं रहा हूं जो मुझे सबूत देना मुझे बताया गया भाई तुम पता कर लो नहीं होगा तो बहुत अच्छी बात ये है। तो सर पहुंच जाते हैं आपको याद होगा मलिक साहब कि राहुल गांधी ने जब कहा था कि महिलाओं के साथ छेड़खानी हो रही है उनके साथ बदतमीजी हो रही है तो ये पुलिस पहुंच गई थी तीन बार गई है और जब खुद वहां रेसलर फेडरेशन के लोग या लड़कियां बैठी हुई हैं तो वहां तो पहुंचती नहीं है ये okay. तो ये तो देखिए ना पुलिस का कोई मतलब है ना सीबीआई का कोई साख नहीं है इनकी इन संस्थाओं की छोटी नहीं, जिस तरह किया अपने नहीं। ओपोनेंट के खिलाफ। लड़कियों को लगता है कि फाइनली कोई न्याय मिलेगा या ऐसी ये नहीं, मिले, देना पड़ेगा ये बहुत दूर तक चली जाएगी लड़ाई मेरी जानकारी ये है कि विद इन ए वीक फार्मर्स कॉल देंगे इनकी सपोर्ट में वहां रामलीला ग्राउंड में एक लाख आदमी इकट्ठा होगा

उस आदमी वो चैन से नहीं बैठता आखिरी वक्त तो और फिर अब तो डिक्लेयर लड़ाई हो गई है तो मैं डटूंगा लड़ूंगा आखिरी बात है, आपने हमारे दर्शकों को क्या कहनी है कुछ जात पात रिलीजन सब भूल के आने वाले पार्लियामेंट चुनाव में नरेंद्र मोदी को हराए क्योंकि अगर नहीं हारता है तो इस देश में सब अच्छाई खत्म हो जाएगी जो भी अच्छा है उसे खत्म कर देगा डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी चुनाव नहीं होगा फिर उसके बाद आखिरी चांस है सब लोगों के पास सो so, आपको लगता है कि लोगों को अभी नाउमीद नहीं होना चाहिए ना नहीं होना चाहिए बिल्कुल कामयाब होंगे वो सहमति हो रही है लोग इकट्ठा होंगे सत्यपाल मलिक जी आपने कनेक्ट एफ के साथ बात की आपका बहुत बहुत मैं भी बहुत आभारी हूँ चूंकि कनेक्ट एफ का मैंने बड़ा नाम सुना है विदेशों में खासतौर से कनाडा ऑस्ट्रेलिया सब जगह तो मुझे अच्छा लगेगा उन जुड़ने का आपसे जुड़ने में बहुत